नमस्कार, SBN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी। चुनावी संग्राम, विधानसभा चुनाव अंतिम टप्पे का नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, अब छानबीन शुरू हुई। लेकिन इसके पहले हमारे साथ यशवंत टावरे जी हैं, जो कि एक अच्छे लीडर माने जाते हैं, जिनका दबदबा अपना अपने इलाके में है। हम उनसे चर्चा करते हैं कि इस चुनाव को लेकर सर आप क्या कहें। पहले तो मेरी तरफ से सारे भिवंडी वासियों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस चुनाव दिवाली के बीचों बीच में आया है और ये चुनाव बीजेपी जीतेगी, क्योंकि नए चौगुलों ने दोनों समाज को लेके काम किया है, पूरे भिवंडी में विकास का काम किया है। तो लोग विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे भिवंडी में, ना कि दूसरे चीजों के ऊपर। तो आज मैंने जो देखा कि नए चौगुले का काम बोलता है, तो इसमें भाजपा सीट जीतेगी, क्योंकि उसके साथ में सारे समाज के लोग, हिंदू मुसलमान दोनों समाज के लोग हैं। आपने देखा होगा कि दीवान का दरगाह का रोड भी CC बनने जा रहे हैं, तो एक ऐसा पहला विधायक है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ का राजनीतिक माहौल, कई अपक्ष उम्मीदवार भी ऐसे सामने हैं, और साथ ही जो भी पार्टी के संघर्ष पे हैं उम्मीदवार, ये जो अपक्ष हैं क्या फर्क डालेंगे कुछ? देखो, मैं इतना राजनीति के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप काम करते हो और अच्छा काम करते हो, तो बेशक वही आदमी को जिताएगी जनता, दूसरे कोई चीज़ों का असर गिरने वाला नहीं आएगी। अपेक्षा क्या होगी जो भी इस बार चुनाव में जीत जाएंगे? क्योंकि भिवंडी शहर में समस्याओं की बात करें तो समस्या बिल्कुल जिलेबी की तरह टेढ़ी है। कौन सी समस्या भिवंडी के अंदर है? भिवंडी शहर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने में अभी हमारा कॉरपोरेशन से लेकर जो कोई भी नेता आते हैं, लगभग ये पूरा करने में नाकाम होते हैं। या तो उसका महानगर पालिका के अधिकारियों की गलती हो, आप लोग तो पैसे डालते, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खाली इतना कह रहा हूँ कि मूलभूत सुविधा हमारे इलाके में कोई मूलभूत सुविधा तो दिखाई नहीं दे रही है। तो काम किसका है? हमदार का और खासदार का नहीं रहता है काम, वहाँ के लीडरों का रहता है जो नगर सेवक होते हैं। भले 2.5 साल से नगर सेवक नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अपना दबदबा बना के रखा है, प्रशासन से काम करा के लेना चाहिए। आप देखो, इधर कचरा गिरेला मिलेगा हमारे इलाके में किधर रस्ते पे? नहीं, इन क्षेत्रों में गटर जाम मिलेगी नहीं मिलेगी, पानी की सुविधा सब सुविधा यही होती है। आप अपने आप को यहाँ क्या मान रहे हैं? मैं अपने समझ रहा हूँ, हम ये समझते हैं कि पूरे भिवंडी शहर में अगर होता है तो आप एक ऐसे लीडर हैं कि सामने वाले के ऊपर प्रेशर करके यहाँ पर काम करा सकते हैं, चाहे जहाँ की समस्या हो। लेकिन ये काम आमदार का नहीं होता है, आमदार का काम होता है महाराष्ट्र लेवल पे जो भी समस्या, मतलब जो भी निराकरण होता है, उस चीजों को भिवंडी में लागू कर। नीचे के लेवल में प्रशासन का काम होता है, सुविधा बाकी की सुविधा के लिए कोई आमदार ने इतना निधि लाया है भिवंडी शहर के लिए, इतने ब्रिज बना रहे, इतने CC रोड बना रहे, तो ये आमदार की देन है कि अच्छा काम हो रहा है। तो क्या करेंगे भिवंडी शहरवासियों को जिस तरीके से माहौल इस समय चुनावी? मैं भिवंडी के सारे जनता को एक ही अपील करूंगा कि जात पे वोट डालने के बजाय एक जो अच्छा काम कर रहा है उसको जिताओ, क्योंकि आपने CC रोड हो गए, बहुत सारे रोड का काम महेश चौगले ने चालू किया है, कपिल पाटिल साहब थे उन्होंने चालू किया था। भाजपा को जिताओगे तो देश भिवंडी शहर का विकास होगा। हम दूसरे को चुन के देते हैं, उनका पता भी नहीं करके पब्लिक को गुमराह करके वोट लेने का काम करने वालों से सावधान रहो। जो आदमी काम करता है उसके लिए जो भाजपा कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, लेकिन जो भी विकास किया है वो भाजपा ने किया है भिवंडी शहर का। आप देख सकते हो मेट्रो हो गया, CC रोड हो गए, बहुत सारी जगह पे देखो डेवलप हो रहे जा रहे हैं। तो ये काम भाजपा ही कर सकती है, दूसरी पार्टी यहाँ नहीं कर सकते।